सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो कम्प्लीटली पूरा वाच जरूर करिएगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है वॉशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस इससे टॉपिक्स लिए हैं तो ये जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर सेकेंड नंबर, जिसमें बोला गया है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको यहाँ पर बताना कि विश्व बैंक जो है, जिसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है वॉशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, भूल गए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है जेनेवा। क्या हो जाएगा, जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोर्थ नंबर, भूल गए यहाँ पर सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी काठमांडू। क्या हो जाएगा, काठमांडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर, भूल गए यहाँ पर गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो भी हैं उनका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए बेलग्रेड। क्या हो जाएगा, बेलग्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर, भूल गए यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ओपेक का मुख्यालय बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी वियना। क्या हो जाएगा, वियना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर, भूल गया है कि ओपेक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। अब देखिए आपको बताना है कि ओपेक जो है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 1960 बगदाद में। तो कहाँ पर हुई थी, इस बात को याद रखिएगा, बगदाद में हुई थी और 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा एट नंबर, जो कि बोला गया है आपके सामने आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आसियान जो देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है जकार्ता इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाइन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस। क्या हो जाएगा, मनीला फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर टेंथ नंबर, भूल गए यहाँ पर नाफ्टा के सदस्य देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको नाम देख लेना है, आपसे पूछा गया है कि नाफ्टा जो है उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त सभी, क्योंकि कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका ये तीनों ही देश जो हैं ये नाफ्टा के सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा इलेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है ADB, जिसे बोला जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 1966। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर, भूल गए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है वियना, ऑस्ट्रिया। आपको पता होगा कि वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है, उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर, भूल गए यहाँ पर
नाटो जो कि जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उत्तर अटलांटिक गठबंधन बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं, राइट आंसर आपका हो जाना है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 नंबर, भूल गए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। WHO का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखते हुए मिल जाएगा 16 नंबर, जिसमें बोला गया है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को है यहाँ पर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखिए यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं, जो कि आपके लाइन से मैंने करवा दिए हैं, जिनके ऑप्शन सिर्फ एक ही मैच करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है विश्व मौसम संगठन, उसके पहले मैंने आपको करवाया था विश्व व्यापार संगठन, और उसके पहले करवाया अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। इन तीनों के जो मुख्यालय हैं वो एक ही जगह पर हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भूल गए यहाँ पर, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी बर्न स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? बर्न स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है रोम, इटली। आपको पता होगा रोम जो है वो इटली में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 19 नंबर, बोल गए यहाँ पर, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है अरब लीग का मुख्यालय। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है काहिरा। क्या हो जाएगा? काहिरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर, बोल गए यहाँ पर, यूरोपीय संघ जिसे EU बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार SSC के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो आपका स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 21 नंबर, बोल गए यहाँ पर, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है एक संगठन है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है संघाई चीन। क्या हो जाएगा? संघाई चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके आज के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।